आप सांसद मालीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला इन दिनों सुर्खियों में। मारपीट कांड माना जा रहा है, मारपीट कांड कहा जा रहा है, मालीवाल पिटाई कांड के नाम से आप कई खबरें देख रहे होंगे। बता दें केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ मारपीट व धमकी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई गई। मालीवाल का आरोप है कि विभव कुमार ने CM आवास में उनके साथ मारपीट की। मामले में दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। पुलिस मालीवाल को लेकर 30,000 कोर्ट पहुंची, उनके CRPC के तहत बयान दर्ज करवाए गए। वीडियो में आपको बताएंगे कि इन बयानों के मायने क्या हैं और ये किसी भी मामले में जरूरी कैसे हो जाते हैं। आपके भी मन में सवाल होगा कि आखिर CRPC की धारा 164 है क्या, इस धारा से क्या फायदा मिलता है और ये कैसे आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बता दें कि इस धारा के तहत इकबालिया बयान दर्ज किया जाता है, कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्हें दर्ज कर सकता है। बयान दर्ज कराने से पहले मजिस्ट्रेट बताते हैं कि व्यक्ति के लिए ऐसा इकबालिया बयान दर्ज करना अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वे बयान दर्ज कराए या फिर नहीं। मजिस्ट्रेट बताते हैं कि व्यक्ति का बयान साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बेशक 164 के तहत दर्ज बयान की अहमियत है, लेकिन इन्हें ठोस सबूत के तौर पर नहीं लिया जाता। सिर्फ पुष्टि के लिए इस तरह के बयान का इस्तेमाल किया जाता है। इस बयान के बारे में आपको बता दें, माध्यम कोई भी हो सकता है, वो ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में मजिस्ट्रेट इस बयान को दर्ज करवा सकते हैं, ले सकते हैं। हालांकि पुलिस का बयान अलग होता है और मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज किया हुआ बयान अलग माना जाता है। इस बारे में हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया था। मद्रास हाई कोर्ट ने जान लेने के आरोपी की दोष सिद्धि का ऑर्डर रद्द कर दिया था। अदालत ने ये देखने के बाद इसे रद्द किया था कि निचली कोर्ट की CRPC की धारा 164 के तहत 10 गवाहों के बयान को चिकित्सा साक्ष्य के साथ पुष्टि करने में गुमराह किया गया, जबकि असल में सभी स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। उन्होंने कहा कि CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज बयान असली सबूत नहीं है, उनका इस्तेमाल सिर्फ एक गवाह की बयान की पुष्टि के लिए किया जाता है। चश्मदीद गवाहों के बयान CRPC की धारा 161 के तहत भी दर्ज होते हैं। फर्क यह है कि इसमें बयान पुलिस दर्ज करती है और जांच में सहयोग लेने के लिए इस तरह के बयान लिए जाते हैं। जांच करने वाले कोई अधिकृत पुलिस अधिकारी ऐसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वे मामले की जानकारी के साथ सब कुछ सच सच बता रहा है। अधिकृत पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से लिखित में अपने बयान देने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ CRPC की धारा 164 के तहत जब बयान मजिस्ट्रेट के पास दर्ज होते हैं तो उसका फॉर्म लिखित में ना होकर ऑडियो या विजुअल फॉर्म, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी माध्यम में हो सकता है। ये ऐसे गवाह, ये ऐसे बयान होते हैं, इस तरह का बयान ही दर्ज किया जाता है जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता, किसी भी तरह की हेरफेर नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है केजरीवाल के PA विभव कुमार पर और उन्हीं के इस पूरे सिलसिले में इस तरह की ये घटना हुई। 164 के तहत CRPC की धारा के तहत ये बयान दर्ज करवाया गया। दिल्ली पुलिस 30,000 कोर्ट ले गई थी स्वाति मालीवाल को। तो सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल ने धमकी, मारपीट, बदसलूकी, बर्बरता, जितने भी आरोप लगाए हैं केजरीवाल के PA पर, वो सभी आरोप बदले नहीं जाएंगे। 164 जो कि CRPC की धारा 164 है, उसके तहत ये बयान दर्ज किया गया। उम्मीद करते हैं धारा 164 के बारे में आप समझ गए होंगे। तमाम बड़ी अपडेट्स और रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप बने रहिए 1 इंडिया प्लस के साथ। शुक्रिया।